नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू व्हेन समवन ब्लॉक्स योर नंबर, व्हाट टू डू व्हेन समवन ब्लॉक्स योर फेसबुक आईडी, योर इंस्टाग्राम आईडी, योर कॉलिंग नंबर, व्हाट टू डू व्हेन समवन ब्लॉक्स यू ऑन व्हाट्सएप और एनीवेयर। जब कोई आपको ब्लॉक करे तो क्या करना चाहिए? बुरा लगता है ना, काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, दिल पे लगती है बात कि यार ऐसा मैंने क्या ही कर दिया कि उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, या फिर उसने मेरे को ब्लॉक क्यों किया, या मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मुझसे ऐसा क्या हो गया। और इसी ख्यालों में खोए रहते हैं, घुमा फिरा के कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जी कि उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, अब रीच आउट नहीं कर सकता मैं उस इंसान को, ब्लॉक्ड हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है? पूरा जो सल्यूशन है वो सामने निकल के आएगा आपको कि हाँ ये करना चाहिए, ठीक है? मोस्ट ऑफ द पीपल, जो बहुत सारे लोग होते हैं, मोस्टली जो लोग होते हैं वो क्या करते क्या हैं, वो सामने वाले इंसान को इरिटेट करते हैं। किसी के घर में, किसी की पर्सनल लाइफ में आप जबरदस्ती घुसने करते हो, तब 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 किसी के मोबाइल में घुसने करते हो आप, टेक्स्ट मैसेज, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, इट कुड बी एनीथिंग। अब वहाँ पे लेके हम धड़ाधड़ लगे रहते हैं विदाउट नोइंग कि यार ये चीज़ कितनी खतरनाक हो सकती है, या फिर ये चीज़ कितनी इरिटेटिंग हो सकती है। हम उसी चीज़ में लगे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सामने वाले इंसान की केयर करते हैं, सामने वाले इंसान से प्यार करते हैं, और इसी चीज़ की वजह से हमें समझ में नहीं आता है कि प्यार करने में और परेशान करने में, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो किसी को परेशान करना प्यार करना नहीं है। किसी के पर्सनल स्पेस में मत घुसिए आप, थोड़ा सा दूर रहिए। कोई आपको अलाउ करे, कोई आपको बोले कि आओ जी, वेलकम है, स्वागत है आपका, वो वहाँ पर जाना है, बिन बुलाए मेहमान की तरह कहीं पर नहीं घुस जाना है, इंसल्ट ही होगी फिर वहाँ पर आपकी, वहाँ पे सामने वाला इंसान इरिटेट होकर आपको ब्लॉक ही कर देगा। यार ये तो मतलब लगे ही पड़ा है, ये सुधर नहीं रहा है। सामने वाला इंसान थोड़ा देखेगा, फिर आप वहाँ पे लगे ही हो तो फिर वो ब्लॉक कर देगा। तो अगर आपका नेचर ऐसा है, अगर आपका बिहेवियर ऐसा है, देन माई फ्रेंड, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, इस चीज़ को बदलिए और अपने अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आइए, थोड़ी सी सेल्फ इस्टीम लेके आइए। जहाँ पे इन्विटेशन हो वहीं पे जाइए, हर जगह मुंह उठा के मत चले जाइए, ठीक है? ये चीज़ कीजिए। अब बात करते हैं क्यों ब्लॉक करता है, लोग क्यों ब्लॉक करते हैं हमें, चाहे सामने वाला इंसान क्यों ब्लॉक करता है हमें। जब कोई हमें ब्लॉक कर दे तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्यों ब्लॉक करते हैं लोग? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में, क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपसे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज नहीं करना चाहते, वो आपसे वीडियो कॉल नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि आप उनको मैसेज करके बॉदर करो, वो नहीं चाहते कि आप उनको परेशान करो, इसलिए वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। कई लोग आपको यूजुअली ब्लॉक कर देते हैं विदाउट एनी रीजन, ठीक है जी, कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने डिसीजंस हैं, ठीक है जी। बट कई बार हम किसी को इतना परेशान कर देते हैं कि वो खुद ही, सामने वाला जो इंसान है वो परेशान होकर हमें ब्लॉक कर देता है कि ठीक है जी, इसी लायक हो आप और यही चीज़ आप डिजर्व करते हो। और वहाँ पे हम सोचते हैं कि यार मतलब यही मेरी वैल्यू है, यही मेरी औकात है कि मतलब आप, आई एम ब्लॉक बाय समबडी, इट फील्स अ लॉट, बहुत हर्ट होता है, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, दिल पे लगती है बात, ठीक है मेरे दोस्त। अब एक चीज़ एक जन एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए किसी का घर है, राइट, उसने आपको बुलाया है, वेलकम किया कि आओ जी मेरे घर में, आप चले गए उसके घर में, ठीक है जी, उसने बिठाया आपको, नाश्ता पानी कराया, खाना वाना खिलाया। अब वहाँ पे क्या है, वो ठीक है उतना तक, ठीक है, अब क्या है, अब उसने अपना दरवाज़ा लगा दिया, राइट। मतलब अगर कोई आपको ब्लॉक करता है तो जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन है वो सामने वाला इंसान बंद कर रहा है। वो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन व्हाट्सएप हो सकता है, वो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन नॉर्मल कॉलिंग कर सकते हो आप, वो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, और एनी सोशल मीडिया अकाउंट कुछ भी हो सकता है, राइट। वो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन सामने वाले इंसान ने आपके लिए बंद कर दिया। अब वहाँ पे क्या है,
अब अगर सामने वाले इंसान ने दरवाज़ा बंद कर दिया है अपना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको बार बार उसके दरवाजे पर जाके बेल बजाते रहें हम, खोलो 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 खोलो, या बार 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 बेगिंग करते रहें। रिक्वेस्ट करना एक अलग चीज़ है। रिक्वेस्ट आप एक बारी, दो बारी, तीन बारी कर सकते हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, या कुछ ऐसा कर दो, या थोड़ा वेट कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, उसकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बट वहाँ पे अगर हम ये करते हैं टन 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 टन, क्या होगा? ब्लॉक के बाद एक और चीज़ अगर होती, ऐसे अगर मान लो ऐसा कुछ होता महाब्लॉक, तो वो इंसान आपको महाब्लॉक भी कर देता। अब अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है, तो दूसरी तीसरी आईडी बना बना के दूसरे तीसरे नंबर से उसको मैसेज करना बंद कीजिए भैया। थोड़ा अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको बचा के रखिए, अपना आत्मसम्मान, अपना अभिमान, कुछ भी बोल लो, वो थोड़ा आप बचा के रखो, ठीक है जी। कि यार अगर सामने वाले इंसान को इंटरेस्ट नहीं है, तो एक समझदार इंसान की तरह किसी को इरिटेट नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, शांति से रहेंगे, पेशेंटली रहेंगे, पेशेंस के साथ। अगर उसको बात करनी होगी तो वो बात करेगा, अगर बात नहीं करनी होगी तो मैं चाहे कितना भी एफर्ट डालूंगा, कितनी भी मेहनत डालूंगा, वो नहीं करेगा बात, ठीक है। फोकस ऑन दिस थिंग, व्हाई डोंट वी फोकस ऑन दिस, इंस्टेड कि किसी के लाइक घर में एकदम घुसे पड़े हैं हम, उससे बजाय लाइक टेक सम टाइम, टेक सम स्पेस। उसको बस आपने कन्फर्म कर दिया, ठीक है, उसने ब्लॉक किया हुआ आपको, उसको बात करनी होगी, वो अनब्लॉक कर देगा आपको। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा शांत रहिए, ठीक है। अपने आप को टाइम दीजिए, खुद की लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। और अगर सच में किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, मतलब एकदम परमानेंटली वाला ब्लॉक है, तो मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। कई बार लोग थोड़ा थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक करते हैं, फिर आपको अनब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपको ज़्यादा ही परेशान कर देते हो सामने वाले इंसान को, या फिर घुसने की कोशिश करते हो आप ज़्यादा, तो वहाँ पे उस टाइम पे वो होता है। बट अगर परमानेंटली किसी ने आपको ब्लॉक किया है, मतलब उसने अपने जो दरवाजे हैं, दोनों दरवाजे, वो बंद कर दिए हैं कि यार जी ये मेरे घर का दरवाज़ा है, ये बंद है आपके लिए। अब जब किसी ने अपने घर के दरवाजे आपके लिए बंद किए हैं मेरे दोस्त, तो वहाँ पे क्या उसका मतलब है? उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसमें और दबदबाओगे, नहीं, या आड़ी क्या बोलते हैं उसको, आड़ी तिरछी का जोर लगाओगे आप, नहीं। If someone wants to stay, they'll put efforts to be in your life. If someone wants to leave, उनको बस एक रीज़न चाहिए कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को हटना है, राइट? और अगर कोई सच में इंसान जाना चाहता है मेरी लाइफ से, यहाँ पे दो इंसान की पहचान बताऊँगा मैं आपको। अगर आप एक इमैच्योर इंसान हो और अगर मैं आपकी लाइफ से जाना चाहता हूँ, तो आप पकड़ लोगे, आप पैर पकड़ लोगे, आप हाथ पकड़ लोगे, आप कहोगे नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, गिड़गिड़ाने लगोगे, आप रोने लगोगे कि नहीं 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 मत जाओ मेरी लाइफ से। दूसरे वो इंसान है जो मैच्योर है, मचोर हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ है कि यार अगर आप मेरी लाइफ से जाना चाहते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक दो बार ही, अगर आप नहीं मानते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको जाना ही है, इफ़ समवन वांट्स टू वॉक अवे फ्रॉम योर लाइफ, गिव देम अ वे। अगर कोई आप इंसान आपकी लाइफ से जाना चाहता है, तो उनको एक वे दो कि ठीक है जी ये रास्ता है। अगर मेरी लाइफ से कोई इंसान जाना चाहता है, अगर मैं समझदार हूँ, अगर मैं मचोर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जी हाँ जी ये रास्ता है, इस रास्ते से भी जा सकते हैं आप, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, यू आर फ्री टू गो, नो बाउंडेशंस फ्रॉम माई साइट। ये एक साइन होता है एक मैच्योर इंसान का, आप कितने ज़्यादा समझदार हैं। तो समझदार इंसान बनिए। अगर किसी ने ब्लॉक किया है, डू नॉट बेग देम टू अनब्लॉक यू, या फिर उन्होंने बस आपका नंबर ब्लॉक किया है, आपको ब्लॉक नहीं किया है, यू आर अ फ्री ह्यूमन बीइंग माई फ्रेंड। तो उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, आपका नंबर ब्लॉक किया है। ऐसा नहीं है कि बस उनकी वजह से ही आपकी लाइफ चल रही है, या फिर उनकी वजह से ही जो है आपकी ज़िंदगी में बाहर है, वरना अगर वो चले जाएंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी लूट जाएगी, या फिर आप सड़क पे आ जाओगे, आप रोड पे आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। इट्स अबाउट लाइफ। तो इसको एक ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग को छोड़ के अगर आप इस चीज़ को लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करो, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि यार ठीक है, अगर किसी ने ब्लॉक किया, हम मरे थोड़ी जा रहे हैं यार। अगर वो मेरे को अनब्लॉक नहीं करेगा, तो फिर मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। स्टॉप मेकिंग दिस एक्सक्यूजेज इन योर हेड, ठीक है मेरे दोस्त। और अपनी लाइफ में चुपचाप ध्यान दो, आगे बढ़ो, पेशेंटली काम लो। अनब्लॉक करना होगा, अनब्लॉक कर देगा सामने वाला इंसान, ब्लॉक करने ही हो उसको जो है, उसको इरीटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर सच में आपने किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, परमानेंटली ब्लॉक है, आप किसी की ब्लैकलिस्ट में हो आप, तो वहाँ पे भैया मेरे दोस्त, मेरे ब्रो, मेरी सिस,
मेरे फ्रेंड, माय डियर, व्हाट आई रिकमेंड, डिलीट देयर नंबर. उनका नंबर डिलीट करो एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में. इट्स मोर अबाउट अ लाइफ माई फ्रेंड. और ज़िंदगी किसी के आने जाने से नहीं रुकती है, किसी के ब्लॉक अनब्लॉक करने से आपकी लाइफ नहीं रुकती है. इट्स अ लाइफ, यू हैव अ लाइफ, यू आर अ लाइफ. मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में खुश रहें, मस्त रहें. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वन ऑन वन गाइड करूँ, आप अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर काउंसलिंग चाहते हैं आप मुझसे, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर मेरी फेसबुक आईडी पे. आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बस इतना ही कहना चाहता था. आपका दोस्त हो सुकोच आनंद. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड. गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त. जय हिंद, जय भारत.